कारोबार को डीएम के जनता दरबार में उस समय उथल पुथल मच गई जब एक झूठी शिकायत करने व्यक्ति डीएम के पास पहुंचे। ये व्यक्ति मनियौरी गांव के मोहन चौधरी थे, जो जिसे डीएम सावंत कुमार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। डीएम शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार में फरियादियों से उनकी शिकायत सुन रहे थे, तभी सदर प्रखंड के मनियौरी गांव के 13 दशमलव 62 भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत को लेकर एक तरफ से एक वृद्ध महिला निर्मला देवी और दूसरे पक्ष से उसी गांव का मोहन चौधरी वहां पहुंचा। डीएम ने युवक की शिकायत के बाद उसके कागजात को बारीकी से देखा और जांचा परखा। युवक द्वारा प्रस्तुत किया गया कागजात फर्जी था, जबकि गरीब महिला का जमीन व फर्जीवाड़ा कर काफी दिनों से अपना कब्जा जमाए रखा था। डीएम के दरबार में पीड़ित महिला आज से पूर्व भी कई बार पहुंच चुकी थी, अपनी भूमि को दबंगों के चंगुल से मुक्त कराने की गुहार लगातार लगा रही थी। जनता दरबार में युवक को पकड़ने के बाद उसे पुलिस निगरानी ने डीएम के प्रतीक्षा कक्ष में रखा गया। फिर डीएम ने नगर थाना पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले करते हुए उसके विरुद्ध एक फर्जीवाड़ा की प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज देने का निर्देश भी दिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।